आ जाओ ना, आप भी खड़े रह जाओ। अभी एक सामने आया है कि चार दोस्तों ने शराब ली थी, कहाँ पे बैठ के पी थी और अभी कितने लोग इसमें मौत हो गए? इसमें अभी तक जो सब साथ में बैठे थे, मेरा दोस्त था उसमें रिंकू वर्मा, जो अभी यहाँ पे भर्ती है CHL हॉस्पिटल में, और उसके साथ में एक अभिषेक अग्निहोत्री था जो अभी रात को शांत हो गए हैं। ये शायद परसों बैठे थे पैराडाइज पे जैसा बताया था मुझे, और इसमें जो साथ में है वो उनकी तीन लोग अभी की मृत्यु हो चुकी है। अभिषेक की हुई है कल रात को, और परसों रात में वो छोटू और एक सागर नाम के व्यक्ति की हुई है। रिंकू अभी यहाँ पे है CHL में, वो सीरियस है अभी यहाँ पे। किस तरह की इनके सिम्टम्स आए, किस तरह की इनको सिम्टम ये आया कि इनका सर बहुत तेज दुख रहा था और अभी दिखना बंद हो गया था सुबह सुबह, और अभी डायलिसिस वगैरह का बोला है, जो भी है अभी स्टेबल तो है लेकिन क्रिटिकल है अभी ICU में। क्या काम, क्या करते? रिंकू का कंस्ट्रक्शन का काम है। सामने इन्होंने कहाँ पर बैठ के पी थी शराब? कहाँ पर है पैराडाइज? ये भांगड़दा में कहीं है। क्या डायलिसिस क्यों हो रहा है? किडनी फेल बता दी क्या इनकी? किडनी फेल नहीं बोले अभी, वो जो ब्लड में जो सारा जो मिक्स हो गया है, जहर मिक्स हुआ है पॉइजन, वो उसकी सफाई के लिए बोले डायलिसिस। जहरीली शराब पीने से हुआ क्या? हाँ, डॉक्टर ने तो बोल रहा है जहरीली शराब के सिम्टम है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम स्वप्निल शर्मा। आप क्या लगते हैं? मेरा मित्र है। बियर लिया था और उसके बाद उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता गया, उसमें दो लोगों की उस प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसमें मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है। बरहाल उस व्यक्ति से जानकारी ली जा रही है, ये तीन दिन पहले की घटना उसके द्वारा बताया जा रहा है। और मुख्य तौर पर एक समान तौर पे जो लाइसेंस्ड बियर बार होते हैं उसमें अधिकृत तौर पे ये भी चीज़ें होती हैं, तो किस परिस्थितियों में घटना हुई है, वहाँ की जो बची हुई जो सामग्री है उसकी भी परीक्षण किया जाएगा और पुलिस उसमें तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।